राजधानी शिमला में बरसात से भारी नुकसान हुआ है और जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं। शहर में अभी भी जमीन धस रही है। वहीं अब भूमि कटाव को रोकने के लिए नगर निगम ने नई तरकीब निकाली है। अब जहां जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, वहां नगर निगम ने बांस के पेड़ और घास लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने शनान से इस अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि बीते महीने शनान में भारी लैंडस्लाइड हुआ था और अब यहां भूमि कटान को रोकने के लिए बांस के पेड़ लगाए गए। देखिए, हमारे नगर निगम का एक तो दो तरह का हमारे कार्य चल रहा था। एक तो ट्री प्लांटेशन को लेकर के, जो हमारा अगस्त के महीने से 9 से 15 तक का चला था, ट्री प्लांटेशन ड्राइव का, लगभग उसमें 5 से 10 हज़ार तक पौधे हमने लगाने थे, उसका एक वो अलग कार्यक्रम चला हुआ है। दूसरा कार्यक्रम जो आफ्टर जो हमारे क्लाइमेट नेचुरल क्लाइमिटीज आई, अभी जो आपदा आई, बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हुए, बहुत ज़्यादा पेड़ गिरे, सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिरे हैं। जो शिमला में जितना भी स्लाइड्स आए हैं, आज उसको लेकर के हमने एक कार्यक्रम किया था। वो हमने बैम्बूज और अर्ली ग्रासेस के मंगवाए थे नॉन यूनिवर्सिटी से, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, जिन्होंने इस पर टेस्टिंग की थी, कि और हमारे कमिश्नर साहब ने और जॉइंट कमिश्नर ने इसको लेकर के बैठक की थी। तो जितने भी हमारे सॉइल इरोजन हुआ है पेड़ों के गिरने के कारण, उसमें उसी संदर्भ में आज हमने इस कार्य को शुरू किया। लगभग हम 4 से 5 हज़ार बैम्बूज और अर्ली ग्रासेस जो सॉइल इरोजन को रोकती हैं, उसके संदर्भ में आज हम मलियाना में मेरे साथ कुलदीप ठाकुर जी और मलियाना की पार्षद शांता जी हैं और शांति के पार्षद कुलदीप ठाकुर जी भी हैं। ये स्नान का एरिया कुलदीप जी का पड़ता है और साथ में ही इसका लगता एरिया शांता जी का है, और उसको लेकर के हम अब उसके बाद हम यहाँ लगभग हम 400 से 500 पौधे बैम्बूज और अर्ली ग्रासेस लगाएंगे, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि सॉइल इरोजन को रोकना है। क्योंकि इसके साथ के जो लगते ट्रीज है, पेड़ है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि साथ लगते जो पेड़ है वो डेंजर जोन में ना हो, आने वाली सर्दी है, सर्दी के कारण कभी और पेड़ ना गिरे, ताकि उस सॉइल को पकड़ के रखे, सॉइल को मजबूत रखे। इसके पीछे रीजन हमारा ये है, क्योंकि शिमला में ज़्यादातर स्लाइड जो है वो देवदार गिरे हैं, तो उसके बाद सॉइल इरोजन हुआ है और काफ़ी ज़मीन खाली हुई है। भूमि कटाव इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको आने वाले समय में भी और डेंजर हो सकता है। इसलिए इस कार्य को हमने ना केवल शिमला और शिमला के आसपास के क्षेत्र में, हमारे नगर निगम के जितने भी पार्षद हैं, हम उनको बैम्बूज और अर्ली ग्रासेस लेके देंगे, और जहाँ पर भी जिसका भी, और मैं हम लोग खुद भी हर जगह उठ जाएंगे, और कल लोग में हमारे ऑलरेडी ये काम चल रहा है, वहाँ के हमारे स्थानीय पार्षद अनूप पठानिया ने इस कार्य को ऑलरेडी किया हुआ है। और अगर बैम्बूज हमारे पास कम हो गए, हमारी सिमेट्री है कल लोग में, वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है बैम्बूज का, उसको लेकर भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि आपको सॉइल इरोजन को और जो हमारी स्लाइड्स हुए हैं शिमला के अंदर, उसको रोकना। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा चलाए गए पौधारोपण अभियान के तहत शहर भर में पौधे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शहर के कई स्थानों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है और भूमि कटान भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं लैंडस्लाइड वाली जगहों पर बांस के पेड़ और घास लगाई जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में और भूमि कटान ना हो। पंजाब की सीटीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।